ये सामान भिजवाया है। किसने? दानी साहब ने। ठीक है, अंदर रख दे। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम फिजा। गलती मैं कर रही हूं? गलती दानिश से हुई है मुझसे शादी करके। देख नहीं रही, तभी मेरे आते ही मेरा बाकी सामान भी भिजवा दिया। तो क्या करता वो? तुम्हारी कौन सी उसे लव मैरिज हुई थी कि तुम रूट के मैं के आई हो तो वो तुम्हें मनाने चला आता, या तुम्हारे ना होने से उसकी सांसें रुक जाती? कुर्बानी दी थी ना तुमने, उसी तरह उसने भी कुर्बानी दी थी अपने खानदान के लिए। तो जब माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए और बहनों के मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी दे ही दी है तो फिर नखरा कैसा? नखरा नहीं कर रही मैं, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट? सबसे पहले इसी को तो रोंदा जाता है ससुराल में, यही तो सिखा के भेजा जाता है बेटियों को कि सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ नहीं होती। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, उस सोसाइटी में तलाक याफ्ता औरत की कोई जिंदगी नहीं है, उसे जीने का कोई हक नहीं है। देख लो, तुम्हारे सामने खड़ी हूं मैं, सामने खड़ी हूं तुम्हारे। तलाक के बाद जो भी रिश्ता आता था उसे मुझसे ज्यादा, मेरे सुगड़पन से ज्यादा तलाक की वजह जानने में दिलचस्पी होती थी। हाँ, लड़की में कोई ऐब होगा, जब ही तो रुखसती से पहले ही तलाक हो गई, यकीनन इसका चक्कर चल रहा होगा, इसीलिए छोड़ दिया। बहुत बातें सुनी है मैंने, बहुत ताने सुने, बहुत हसीयत सही है मेरी जान, मैं नहीं चाहती कि तुम उस अज़ियत से गुजरो। अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा, खुदा के लिए वापस चली जाओ। वरना में यही तरह की जिंदगी होगी तुम्हारी, पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं।